हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल लर्निंग हॉल में आपका स्वागत है। आइए हम न्यूमेरिकल नंबर 2 पर विचार करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, इस पर विचार करते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। दर्पण की क्या ज्ञात करना है हमको? फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैथ से जो होता है न्यूमेरिकल टॉप होता है। मैथ में का मेथड जो होता है आपको याद रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल का मेथड याद नहीं रहता है, इसलिए न्यूमेरिकल जो होता है टॉप होता है। और जब हमेशा आप इसको रिवीजन करते रहिएगा तो कुछ नहीं या टॉप थोड़ा सा भी नहीं होता है, बहुत हल्का होता है रिवीजन करने में। तो हमें यहां क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला है, सबसे पहले यह बात को देखेंगे। यहां दिया है कि यू यानी किसका दूरी, वस्तु की दूरी। अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा हुआ है वो कितना सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप जानते हैं कि जब दर्पण अवतल या उत्तल हो तो उसमें वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए यू बराबर -30 सेंटीमीटर, जी बराबर यानी प्रतिबिंब की दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर और एफ बराबर वाट। हमको एफ यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है। चूंकि दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v का मान हमको 40 मालूम है, इसलिए v के जगह पर 40 लिखा हमने, 1/40 प्लस u का मान -30 है यहाँ, तो 1/-30 बराबर 1/f, f का तो मान निकालना ही है तो f का मालूम है। तो चलिए यह प्लस और ये माइनस मिलकर हो गया क्या, यहाँ माइनस, या 1/40 - 1/30 = 1/f। अब ये देखिए बटा पर के घटाव की तरह दिख रहा है, लेकिन जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये टॉप हो जाएगा, एक बड़ी अंक है, बड़ी संख्या है, इसलिए इसको सिंपल बनाने के लिए 40 × 30 लिखेंगे, 40 × 30 लिखेंगे। और जब ये 40 से ये 40 × 30 में भाग देंगे तो ये 40 से 40 कट जाएगा, बचेगा 30, और इस 30 से जब 1 में गुना करेंगे तो यहां पर 30 आएगा, माइनस है तो माइनस, फिर यह 30 से भाग देंगे ये 40 × 30 में तो 30 से 30 कट जाएगा, बचेगा 40, और 40 से 1 में गुना करेंगे तो 40 होगा। 30 - 40 - 10 और 4 × 12 यानी 1200, तो -10/1200 = 1/f। अब ये 1/f है बराबर में जो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, एफ से करेंगे -10 में, इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे, तो एफ से करेंगे -10 में और 1200 से 1 में करेंगे, तो एफ से जब ने हम -10 में गुना किया तो -10f बराबर 1200 से 1 में किया तो 1200, -10 इधर एफ के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो एफ बराबर होगा 1200 - -10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, -1 है, माइनस नीचे नहीं ऊपर जाता है, यानी एफ बराबर आ गया आपको -120 सेंटीमीटर, -120 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है इसलिए इसका फोकस दूरी माइनस है, इसलिए आपका दर्पण की फोकस दूरी बराबर 120 सेंटीमीटर आ गया, जो हमें इस न्यूमेरिकल में निकालना था। दर्पण के फोकस दूरी आप एफ का मान निकालिए, तो हमको एफ का मान आया 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर होगी। न्यूमेरिकल 3 पर चलते हैं। न्यूमेरिकल 3 आपका है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा हमको बताना है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है,
दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा? सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या मिला है हमको क्वेश्चन के माध्यम से। तो हल, क्योंकि यहां दिया गया है कि आर बराबर 12 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम पढ़े हैं सूत्र एक बराबर आर बाई टू होता है, हमने पिछले वीडियो में सिद्ध भी किया है, प्रमाणित भी किया है कि ये बराबर आर बाई टू होता है। तो एक बराबर आर बाई टू, आर का मान 12 सेंटीमीटर है, टू जो है आपका फॉर्मूला का है 2 × 12 यानी 6 सेंटीमीटर, यानी वो आपको फोकस दूरी आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। और यू बराबर -12 सेंटीमीटर यानी वस्तु की दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर, दर्पण उत्तल हो या अवतल वस्तु की दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में ही रहता है, ऋणात्मक ही रहता है। चूंकि दर्पण सूत्र से 1/v +1/u बराबर 1/f या 1/v 1/u का मान है माइनस, यू का मान है माइनस, तो -12 बराबर एफ का मान है 4 × 1/6। चलिए यहां देखिए, ये माइनस और ये प्लस मिलकर हो गया यहां माइनस, तो 1/v -1/12 बराबर 1/6 या 1/v 1/12 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो या 1/v बराबर 1/6 +1/12 या 1/v बराबर, इसको एलसीएम नहीं लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 2 यानी 6 × 12, 6 से जब भागा देंगे तो 6 × 12 में तो 6 पड़ जाएगा, बचेगा 12, 12 से 1 में गुना करेंगे, यहां लिखेंगे 12, प्लस है तो प्लस, फिर इस 12 से भागा देंगे तो 12 पड़ जाएगा, 6 बचेगा, 6 से 1 में गुना करेंगे तो यहां आएगा 6 या 1/v बराबर 12 × 6 = 18 × 12 = 72, 18 से कटाइएगा, 18 × 4 = 72 या 1/v बराबर 1/4, क्रॉस में तक से कीजिएगा गुना, 1 में 4 से कीजिएगा, v से 1 में कीजिएगा, तो v से 1 में किए तो v, 1 से 4 में किए तो 1, यानी v बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा भी तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वह दर्पण के पीछे बनेगा जो काल्पनिक होगा। काल्पनिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ये जो आया है आपका प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आया है, यानी प्लस इंगित करता है कि प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, और माइनस इंगित करता है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, और ये प्लस इंगित करता है कि काल्पनिक है, और काल्पनिक जब होगा तब वह प्रतिबिंब सीधा होगा। कुल मिलाकर आपका ये जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा जो काल्पनिक होगा।